आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को नीट 2024 को लेकर कुछ प्लान बताने वाला हूं। इसको अच्छे से देखना, इसको जरूर फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय बचा हुआ है नीट एग्जाम में और आप सभी को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है ताकि आप सभी अच्छा नंबर गेन करो और एक बेहतर कॉलेज लो। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मैं बताने वाला हूं इसका बहुत सारे पीडीएफ अपलोड मैं करने वाला हूं, लिंक दे रखा है या क्यूआर कोड सेंड करके। इसको बताने से पहले, सबसे पहले इसको देखो। आप सभी केमिस्ट्री में आप सभी को आईपीक, पीरियोडिक टेबल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और केमिस्ट्री, ये आप सभी को अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए। इसके बाद एनसीईआरटी बुक में इनऑर्गेनिक जो है आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लस आप सभी को जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस ईयर तो लगा रही है, या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उससे अच्छे से लगाओ, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी फटाफट फॉर्मूला शीट रिवीजन करो और क्वेश्चंस लगाओ। अब समय नहीं है कि एक एक लाइन बैठकर पढ़ाई कर रहे हो फिजिकल में और क्वेश्चन छोड़ रहे हो, सीधा फॉर्मूला और क्वेश्चंस दबाकर लगाओ। मैं फॉर्मूला शीट इसका टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी को जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी का जितने भी है अच्छे से कर लेना। और इतना ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक में आप सभी को रिएक्शंस है सभी को रिलेट करके पढ़ लेना, जितने भी चैप्टर्स हैं सब रिलेशन है, और ये रिलेशन आपको रोडमैप सॉल्व करने में काम आएगा, एग्जाम में आते हैं। और प्रीवियस ईयर ये अच्छे से आप सभी कर लेना। इसके बाद बहुत सारे शोर्स को ये नहीं समझ में आता है कि कहां से कब और क्या पढ़े। मैं आपको बता दूं, ये तो आपको पता है कि बायो का एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है एग्जाम के दिन तक, और क्वेश्चंस दबाकर लगाओ। साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक भी आप सभी को पढ़ना है एनसीईआरटी से लगातार, यानी बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ना है और क्वेश्चन भरपूर लगाने हैं। अब बच जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनका आपको फटाफट फॉर्मूला सीट रिविजन करके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। मैंने फिजिक्स क्लास 11, 12 के जितने भी फॉर्मूला हैं उन सब का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो, मैं फिर से एक बार डाल दूंगा। अब आप सभी देखो, यहां पे फिजिक्स में मैं बार बार आप सभी को कहता हूं, क्विक रिवीजन करो फॉर्मूला को, और आप सभी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर रिवीजन करो, ये आप सभी रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन या मॉड्यूल है वो सॉल्व करो। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज एग्जांपल क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपको 45 मिनट लगेगा, ये ध्यान से, तो फटाफट करो। अब देखो आप सभी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना हो सकता है आप सभी करो, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, फुल मॉक टेस्ट आप सभी को देना है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्वेश्चंस जितना लगाओगे उतना बेनिफिट देगा। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि अन एकेडमी ने एक बहुत ही बिगेस्ट सरप्राइज आप सभी को दिया है। क्या आप सभी ने अन एकेडमी आरंभ 2024 देखा? अगर आप सभी ने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, अन एकेडमी का जो सरप्राइज है वो है, अगर आप सभी आईआईटी जेई और नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आप सभी को इसका सब्सक्रिप्शन एक साल का सिर्फ 4,999 मिल जाएगा, 40,000 से घटाकर सिर्फ आप सभी को 4,999 कर दिया गया है। और यह जो ऑफर है, इस ऑफर का लास्ट डेट है 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल तक या उससे पहले आप सभी एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ आप सभी को 4,999 और टॉप एजुकेटर आप सभी को पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ गुरु हैं जो कि कोटर में पढ़ा था, वो भी आप सभी को पढ़ाएंगे, जो कि इंडिया का बेस्ट फैकल्टी है, आप सभी को पढ़ाएंगे। बहुत सारी बैचेज अनाउंस और किया गया है 2025 और 2026 के लिए, आप सभी यहां पे देखो, यह जो निम्बस बैच है क्लास 11th के लिए, नेक्सस बैच क्लास 12th के लिए, फिनिक्स बैच क्लास 12th ड्रॉपर के लिए है। ये जो बैच है ये स्टार्ट 17 अप्रैल से हो रहा है, आप सभी 14 अप्रैल के पहले तक सब्सक्रिप्शन ले लो, आप सभी को 4,999 में एक साल का पड़ेगा आईटी जेईई नीट यूजी, और दो साल का अगर आप सभी लेते हो तो 9,999 में ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और लास्ट डेट 14 अप्रैल है। मैं आप सभी को सभी टॉप एडुकेटर पढ़ाएंगे। और आप सभी को देखो यहाँ पे, ऑफलाइन बेस्ट एडुकेटर्स आर नाउ ऑनलाइन, आप सभी ये देखो, ये जो बैच है 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मैवरिक बैच क्लास 11th के लिए, स्विफ्ट बैच क्लास 12th के लिए, और फाल्कन बैच क्लास 12th ड्रॉपर के लिए। सेम यहाँ पे देखो, एक साल के लिए आईटी जेई और नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन का प्राइस 4,999, और दो साल आईटी जेई नीट यूजी के लिए 9,999 आप सभी को पड़ेगा, इसका लास्ट डेट 14 अप्रैल है। बैच कंप्लीट आप सभी को फील देगा घर बैठे हुए कि आप सभी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी जितने भी बैच हैं इन सब बैच को एक्सेस कर पाओगे, और इतना ही नहीं, कमिंग जितने भी बैच हैं उन बैच को भी आप सभी एक्सेस कर पाओगे, और जिस क्लास में ऑनलाइन बैठकर पढ़ाई करना चाहोगे पढ़ लेना अपने फेवरेट एडुकेटर से। और एडिशनली इसमें आप सभी को टेस्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, डीपीपी, डिजिटल नोट्स, प्रीवियस ईयर डाउट सॉल्विंग सेशन एंड मेनी मोर, जितने भी तरह का आप सभी को हेल्प चाहिए, जितने भी टॉप एडुकेटर हैं उन सबके द्वारा आप सभी को दिया जाएगा। अगर आप सभी चाहते हो कि ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाई करना, तो अभी ऑफलाइन सेंटर पे 40% डिस्काउंट चल रहा है,
तो ऑफलाइन जाकर पढ़ाई कर सकते हो। इंडिया में जितने भी अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर्स हैं, किसी भी सेंटर में पढ़ाई करना चाहते हो आप जाना, 40% डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। और अपना प्रिपरेशन को और बेहतर बनाओ। इन सब का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप सभी जाकर लिंक पर क्लिक करो, आप सभी इन ऑफर्स का फायदा उठाओ 14 अप्रैल तक। इस समय पे बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, थोड़ा सा ये जो चैप्टर छूटा हुआ है उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट चलता है ना कि एक बार नोट्स रिवीजन करके ही क्वेश्चन लगाएंगे, पहले नोट्स, ये चैप्टर क्लियर नहीं है तब क्वेश्चन लगाएंगे, ये आप सभी मिथ छोड़ देना। आप सभी क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि एग्जाम के पहले तक ये जो माइंडसेट होता है ना, पहले नोट्स रिवीजन, पहले बुक चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, फिर ये छोड़ देना। आप क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सकता है लगा लो। आप सभी देखो, अब मैं आप सभी को दिखा रहा हूं ये मॉक पेपर को लेकर। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में रहते हैं। देखो 2016 से लेकर 2023 का, यानी 16 से 23 आई थिंक 8 ईयर का हो गया, ठीक है 8 ईयर। ये जो 8 ईयर का क्वेश्चन है आप सभी को लगाना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया इस बार 2024 से नया सिलेबस अपडेट किया है, कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स को हटाया है, फिर कैसे करें। देखो करना तो है ही, इसका मतलब ये थोड़े है कि प्रीवियस ईयर करना छोड़ देंगे। आप सभी फुल मॉक टेस्ट इसका उठाओ, फुल मॉक टेस्ट। अब चैप्टर वाइज करने का समय बहुत कम है, नहीं है तो फुल मॉक टेस्ट करो। और जो ये फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जैसे आप सभी 2016 कर रहे हो ना, और इसमें से जो चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं उनका क्वेश्चंस मिलता है ना, तो आप सभी जो क्वेश्चन पेपर है उस पर क्रॉस करके आगे बढ़ जाना। क्रॉस का मतलब आप सभी को ये समझ लेना कि ये अब रिमूव कर दिया गया, या आप सभी आर एक सिंबल बना लो ऐसे घेर देना। अब आप सभी चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो हमने जो क्वेश्चन 180 लगाए उसमें से 15 क्वेश्चन जो थे वो इस बार डिलीट कर दिया गया, तो हमारा जो नंबर बनता है 165 क्वेश्चन में नंबर बनता है, ताकि आप सभी को संतुष्ट रहे, उस अकॉर्डिंग रेशियो पता रहे कि कितना गलत कितना सही कर रहे हो। अब इतना, या आपके पास चलो ये 8 साल के कर लिया, और आपके पास अगर कोई मॉक पेपर हो वो लगाओ। आपने कहीं ना कहीं मेजर माइनर तो आपने मॉक पेपर लिया होगा, कोई एग्जाम दे रहे होंगे, मैं इतना भरोसा करता हूं, ठीक है। और करना पड़ेगा, अगर फुल मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं फिर गलती वहीं होगा, ड्रॉपर हो तो फिर गलती वहीं दोहराओगे जो कि आपने पिछले साल किया था। ये मिथ छोड़ देना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट होने के बाद ही क्वेश्चन फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि यार अभी तो मेरा अधूरा है, अरे अधूरा रहता है, थोड़ा कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलेगा, क्वेश्चन तो लगाओ हो जाएगा सब, प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दूं अब समय जो है ना डेली एक फुल मॉक पेपर सॉल्व करना है, और ये जो मॉक पेपर है आप सभी को सॉल्व करना एकदम 2 बजे बैठ जाना है, क्योंकि नीट एग्जाम 2 PM से स्टार्ट हो जाएगा और 5:20 तक आप सभी को बैठना है। एक बात मैं और बता दूं कि एक बार AC के नीचे ही बैठकर एग्जाम मत देना, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना 80% जो सेंटर्स होते हैं उसमें पंखा होते हैं, और कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जब पंखा भी नहीं होता है, इससे पसीना निकलता है और आपको एग्जाम देना होता है, तो माहौल सेट कर लेना। अब AC में बैठ के एग्जाम दोगे ना तो फिर पता है क्या होगा, फिर तो बैंड बज जाएगा वहां पे। AC में घर पे बैठ के एग्जाम दियो, कोचिंग में बैठ के एग्जाम दियो, एग्जाम से हॉल में पंखा एकदम धीरे धीरे चलने लग रहा है कि नीचे तक हवा नहीं आ रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बात ध्यान से, हर माहौल को सेट कर लेना, हर एक कंडीशन से सफर करने के लिए तैयार रहना कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। आप सभी मॉक पेपर डेली 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 मॉक पेपर आप सभी को सॉल्व करना है। बस ज्यादा मैं आप सभी को नहीं बोलूंगा, जो मैंने आप सभी को बताया ये फॉलो करते रहना। चलो अभी के लिए इतना ही, आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सारे PDF वहां पे अपलोड करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।